शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन VCN न्यूज को YouTube पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्षेत्रीय आयुर्वेदीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ने रक्तदान प्रोग्राम लेकर स्थापना दिवस मनाया। अनुसंधान संस्थान अस्पताल परिसर में रक्तदान प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक मातृ एवं शिशु संस्था अनुसंधान संस्थान की ओर से नंदनवन के संस्थान शाखा परिसर में स्थापना दिन मनाया गया। इस मौके पर शहर के लोगों ने रक्तदान किया। कोरोना के मरीज हो या अन्य बीमारियों के मरीज, इन सभी को खून की जरूरत होती है, इसलिए भी रक्तदान काफी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान पूरे भारत में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस संस्थान के डॉक्टर आर गोपाल रेड्डी और उनकी पूरी टीम कोरोना वायरस की जनजागृति का काम प्रतिदिन कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन से कामकाज किए जा रहे हैं। इसमें हम लोग आज का जो हमारा जो स्थापना दिवस के अंदर हमने खास करके हमने मेडिकल कैंप्स किया है, मगर ये उद्देश्य ये रखा है कि रक्तदान शिविर इसलिए रखा है कि जो कोरोना का जो पैंडेमिक हो रहा है, जो उसमें जो रक्त का जो कमियां है उसको हम लोग ये करने के लिए हम लोग यहाँ पर 300 लोगों का टारगेट रखा है। और उसमें हमने ऑलरेडी स्क्रीन करके सभी पार्टिसिपेंट्स का ये रखा हूँ। और ख़ास करके डॉक्टर आशीष खंडेलवाल साहब ने भी उनके सहयोग से, और हमारा जो डॉक्टर बालाजी पोटबरे सर है और हमारा अधिकारी और कर्मचारी गण है, उनके तरफ से हमने काफ़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको रक्तदान शिविर को आयोजन किया है। और इसमें खास करके जो रक्तदान दे रहा है उनका पूरा कंप्लीट स्क्रीन आयुर्वेदिक पद्धति से कर रहा है, और उसमें जो आयुर्वेदा का जो आयुष मंत्रालय का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमने उनको दवाई दे रहा है, इम्यूनिटी बढ़ने वाला इम्यूनोमॉड्यूलेटर का एक किट के हिसाब से, और उनको सर्टिफिकेट भी दे रहा है, उनको एक च्यवनप्राश का ये भी दे रहा है उसमें, और उसका कैसे क्या उपयोग है जो दवाइयों का उसका भी हमने IEC मटेरियल के इसमें हम लोग ने उनमें किट में उपलब्ध कर दिया है। आज जागतिक कालचा 14 जून का जागतिक रक्तदान दिन आणि आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर जे आहे फाउंडेशन डे, या दोन्हीचा योग साधून संस्थेचे डायरेक्टर डॉक्टर रेड्डी साहेब यांच्या संकल्पनेतून जो आजचा रक्तदान शिबिर आयोजन केलेला आहे त्यामध्ये नंदनवन पोलीस स्टेशनने सहभाग घेतलेला आहे आणि दोन्हींच्या सहयोगातून हा रक्तदान दिन साजरा करतो आहे। त्यामध्ये महत्त्वाचं आहे की जे कोविडच्या नॉर्म्स आहेत त्या सर्व नॉर्म्सचे आम्ही पालन करून जास्तीत जास्त रक्तदान हे आपल्या पोलीस तसेच जनतेकडून आम्ही करत आहोत आणि या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्याला प्रतिसाद भेटत आहे। आणि या संस्थेचे हा लौकिक तसेच पोलीस स्टेशनचे जे आमचा स्टाफ आणि पोलीस स्टेशनचे जे सामाजिक कार्य आहे त्यातून हा जास्त प्रतिसाद भेटत आहे। आणि मी या निमित्ताने संस्थेला एक भविष्यात चांगल्या प्रतीचे दिवस येऊ अशी त्यांना शुभकामना देतो। धन्यवाद। परमात्म्याला आवडणाऱ्या 9 थेंबापैकी एक महत्त्वाचा थेंब म्हणजे रक्ताचा। आपल्या त्या रक्ताची किंमत तोपर्यंत कळत नाही जोपर्यंत आपल्या घरातल्या व्यक्तीला त्याची जाणीव होत नाही किंवा त्याला ते लागत नाही। माझ्या कुटुंबात असं झालेलं आहे की ज्यावेळेस रक्ताची गरज पडली त्यावेळेस रक्त मिळालेलं नाही, त्यामुळे माझी तब्येत व्यवस्थित आहे किंवा मला करता येतं म्हणून समाजाला आपलं काहीतरी देणं लागतं, म्हणून रक्तदान हे महादान आहे। आज इथे हा कॅम्प घेतलेला आहे, डॉक्टर रेड्डी साहेबांनी अतिशय सुंदर नियोजन केलेलं आहे, त्यानिमित्ताने इथे मी माझं रक्तदान केलेलं आहे। मी स्वतःला भाग्यशाली समजते की मी समाजाच्या कुठेतरी उपयोगी पडली, आणि माझी सर्व सरपंच आणि सर्व गावकऱ्यांना कळकळीची विनंती आहे की आपल्याकडे काही नसलं तरी आपलं आपण देऊ शकत नाही असं नाही आहे, आपण रक्तदानही करू शकतो, हे पण आपलं समाजाला देणं लागतं, म्हणून आपण सर्वांनी आपल्या स्वइच्छेने रक्तदान करावं एवढंच मी या प्रसंगी बोलू इच्छिते। धन्यवाद। संस्थान द्वारा किए गए कामों की काफी सराहना शहर में हो रही है। संस्थान परिसर से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मिरे, इन VCN न्यूज नागपुर।